बिल्कुल कम तेल का, कम मसालों का और बिना लहसुन प्याज का, ये बस 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता हम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश और ताजी दही, और हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, करी पत्ता और हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। इस नाश्ते को आप नवरात्रि में भी बना सकते हैं, या फिर जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है आधी चम्मच राई और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद के चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी डाला है आधा कप के करीब, और इसे गढ़ा बैटर को अच्छे से, बिल्कुल गढ़ा ही बैटर हम बना के रख लेंगे, क्योंकि सूजी है तो बाद में थोड़ा सा ये सोखता भी है, तो आप बाद में इसमें हल्का सा पानी डाल दें। तो देखिए इस तरीके से गढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान नाश्ता है और कोई भी बना सकता है। मात्र 2 से 3 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसमें हल्का सा सोडा डाला है, करीब 1/4 टीस्पून। इससे इसमें एक स्पंज आता है, और देखिए बिल्कुल बैटर हमारा तैयार। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा। और यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई में बस आधा चम्मच से भी कम तेल लिया है, सरसों का तेल, और इसमें हम 2 से 3 चम्मच के बैटर को डाल देंगे। और इसमें हम नया ट्रिक ये करने वाले हैं कि जो हमने हरी चटनी जो हम खाते हैं, धनिया और टमाटर की, इस चटनी को हम मैंने ऊपर कुछ ड्रॉप्स लगा दिया है ताकि इसमें चटनी वाला फ्लेवर आ जाए। और इसे डाउन ढक के कुक करेंगे तो इसमें देखने में भी बहुत सुंदर सा लगेगा ये, क्योंकि ये भाप से बिल्कुल पक के अच्छा सा हो जाएगा। ऐसे हम 1 मिनट तक भाप में पका लेंगे। देखिए ये बैटर हमारा अच्छे से फूल गया, स्पंजी टाइप का हो गया है सोडा डालने की वजह से। इसमें मैंने दही भी डाला था। इसे हम पलट लेंगे और फिर उसे ढक के 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल सेम आंच पे पका लेंगे। आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं, मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया है, जो कि हेल्दी ऑप्शन है। और देखिए दोनों तरफ से ये खस्ता करा नाश्ता बिल्कुल सीख के तैयार हो गया है, और इसमें ज़रा सा भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं है। तो इस गर्मा गर्म नाश्ते को आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं और अपना पूरा दिन बनाएं, टिफिन में भी दे सकते हैं, और शाम को हल्की फुल्की भूख में भी इसे खाया जा सकता है। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।